वेलकम टू वॉइज इन लाइफ स्टाइल। द्वारका से 1.5 घंटे की दूरी पर पोरबंदर स्थित है और जहां पर आप देख सकते हैं सुदामा तीर्थ धाम। सुदामा जी की दरख चौरसी परिक्रमा, ये परिक्रमा है, यह है लख चौरासी की परिक्रमा यानी कि भूल भुलैया। जो भी यहाँ पर तीर्थयात्री आते हैं वह इसको करते ज़रूर हैं, हमने भी इसको किया। यह अपने आप में एक आनंद की क्रीड़ा है, इसलिए हमने इसको किया और इसका आनंद उठाया। इस क्रीड़ा को करने में आपको लगभग 5-6 मिनट लग जाते हैं। यही सुदामा जी की जन्मभूमि और कर्मभूमि भी है। यहाँ पर आपको जगह जगह पर सुविचार लिखे हुए दिख जाते हैं। ये काफ़ी शांत जगह है, काफ़ी अच्छी लगी मुझे। यहाँ पर आप अच्छा समय अपनी फैमिली के साथ बिता सकते हैं। सुदामा जी कृष्ण भगवान के बाल मित्र थे और इस जगह से सुदामा जी अपने मित्र कृष्णा के पास बेट द्वारका में मिलने के लिए गए थे। यहाँ पर श्री सुदामा जी को चावल और कपड़े चढ़ाए जाते हैं। अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, मैं अक्सर ट्रैवल और लाइफस्टाइल पर वीडियो पोस्ट करता हूँ। यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर कीर्ति मंदिर स्थित है जो कि गांधी जी का जन्म स्थल है। कीर्ति मंदिर बहुत फेमस है, यहाँ पर आपको गांधी जी से रिलेटेड सारी चीज़ें मिल जाती हैं। वहाँ पर बहुत सारी आपको उनकी फ़ोटो, उनके जीवन का स्ट्रगल और उनके जीवन से रिलेटेड सारी वस्तुएं यहाँ पर इकट्ठी रखी हुई हैं। द्वारका से जब आप सोमनाथ के लिए जाते हैं तब रास्ते में पोरबंदर पड़ता है, इसलिए आप रास्ते में पहले पोरबंदर की चीज़ें देख लें और उसके बाद सोमनाथ के लिए आगे जाएं। यहाँ पर हमने ऐसे बहुत सारे गांधी जी के चरखे देखे। अगर आपको गांधी जी की बायोग्राफी या जीवनी में इंटरेस्ट है तब यह आपके लिए परफेक्ट जगह है। यहाँ पर उनसे रिलेटेड बहुत सारे लेख, फोटो और उनके इस्तेमाल की हुई वस्तुएं हैं।
इस रूम में जहाँ पर आप नीचे देखेंगे साथिया बना है और बड़ी सी फोटो लगी है, वह है गांधी जी का जन्म स्थल। अब हम चलते हैं गैलरी देखने के लिए गांधी जी के। आपको जिस फोटो में इंटरेस्ट आए इस वीडियो को आप पॉज करके देख सकते हैं। इस गैलरी में काफ़ी फोटो हैं जिसमें गांधी जी का स्वतंत्रता का स्ट्रगल भी है, उसके अलावा उनकी पर्सनल लाइफ में वह अपने रिश्तेदारों के साथ अपनी फैमिली के साथ कैसे बैठा उठा करते थे वह सब दर्शाया गया है। कीर्ति मंदिर से आने के बाद हम लोग पहुंच गए सोमनाथ अपने होटल पर। हमारा होटल अच्छा था मगर मैं रिकमेंड करूंगा कि लॉर्ड्स होटल में लें क्योंकि वह ज़्यादा नज़दीक है सोमनाथ मंदिर के। सोमनाथ मंदिर के पास ही है श्री बालका तीर्थ। यहाँ पर कृष्ण भगवान ने अपना शरीर त्याग दिया था। इसका प्रांगण काफ़ी बड़ा है, काफ़ी सुंदर मंदिर है और यहाँ बहुत अच्छा बड़ा पार्क है जिसमें जाकर आपको काफ़ी सुकून मिलता है। मंदिर में आप देख सकते हैं जरा कृष्ण भगवान के आगे हाथ जोड़ते हुए। कृष्ण भगवान जब पीपल के पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे तब जरा ने उनको हिरण समझकर उन पर निशाना लगाया था। यह पीपल का पेड़ अभी भी मंदिर में स्थित है। लोगों को कृष्णा की इस अद्भुत स्टोरी के बारे में नहीं पता है तो उसके लिए आपको यहाँ आना चाहिए।
वालका तीर्थ के बाद हम लोग निकल पड़े त्रिवेणी संगम देखने के लिए, जहाँ पर तीन नदियों का संगम होता है और वहाँ पर सरस्वती नदी वर्चुअल है। यहाँ पर तीन नदियों का संगम होता है जिनके नाम है हिरण, कपिला और सरस्वती नदी। यह त्रिवेणी संगम घाट बहुत सुंदर है, यहाँ पर आप बहुत अच्छा समय बिता सकते हैं फैमिली के साथ। हमने देखा जब हम इस समय पर गए थे, यहाँ पर बच्चों की स्कूल ट्रिप आई हुई थी। जब हम यहाँ पहुँचे सनसेट हो रहा था, जिसकी वजह से यहाँ के नज़ारे और सुंदर हो गए। यहाँ पर हमने मछलियों को आटा डाला, जिससे काफ़ी मछली इकट्ठी हो गई थी। त्रिवेणी संगम घाट के बाद हम लोग सोमनाथ मंदिर के लिए निकल पड़े। सोमनाथ मंदिर में कैमरा अलाउड नहीं है, ना ही मोबाइल फ़ोन और ना ही स्मार्ट वॉच, इसलिए आप इसके फ़ोटो अंदर से नहीं ले सकते। हमने नोटिस किया कार पार्किंग से लगभग हमको 1.5 किलोमीटर की दूरी पर चलना पड़ता है मंदिर के दर्शन करने के लिए। यहाँ की कार पार्किंग बहुत बड़ी है, जो बहुत सारी कार को अकोमोडेट कर सकती है। इस मंदिर में बहुत सुंदर ज्योतिर्लिंग है, बहुत अच्छी आरती हम लोगों ने देखी। आरती के बाद यहाँ पर लगभग 7:30 बजे एक लेज़र शो होता है, उसकी टिकट लेना ना भूलें आप, और उसको देखकर आपको यहाँ की पूरी हिस्ट्री पता चल जाती है। सोमनाथ मंदिर को लगभग 17 बार तोड़ा गया था, मगर तोड़ने वाले यहाँ की आस्था को नहीं तोड़ सके, इसलिए यह मंदिर आज भी यहाँ बहुत अच्छे से स्थित है। अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया हो तो उसको प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग कम्प्लीट वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।